हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एल डब्ल्यू डी जॉब में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है सेवन सी के अकॉर्डिंग जो है इसमें पी आर टी टी जी टी टी टीचर्स इनकी वैकेंसी है ठीक है इसके अलावा भी जो है कई पोस्ट हैं जैसे म्यूजिक टीचर डांस टीचर फाइन आर्ट टीचर हैं स्पेशल एजुकेटर लैब असिस्टेंट जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहेंगे पूरा प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा बिना अनुभव के आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस को इन्होंने डिजायरेबल में रखा है अगर क्वालिफिकेशन है तो उस बेस पर आप अप्लाई कर पाएंगे पूरा जो है नोटिफिकेशन चेक करेंगे वैकेंसी किस राज्य से जारी की गई है अंत तक वीडियो के बने रहिए अगर आपकी एज 45 ईयर तक है तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए पीआरटी में भी काफ़ी जो है सब्जेक्ट हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में भी काफ़ी सब्जेक्ट हैं और पी में भी काफ़ी सब्जेक्ट हैं तो सैलरी जो है आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे ही रही है कि सेवन सी के अकॉर्डिंग ही जो है सैलरी रहेगी पीआरटी में सैलरी फिफ्टी नाइन थाउजेंड ट्रेंड ग्रेजुएट जो टीचर हैं उनकी सैलरी सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी फोर करेंट में जो सैलरी है वही आपको बताई जा रही है पी में सिक्सटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी सिक्स सैलरी रहेगी चलिए देख लेते हैं सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं पी में कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है वो आप देखें अगर आपका सब्जेक्ट है तो अंत तक वीडियो के बने रहें क्योंकि बहुत कम वैकेंसी ऐसी होती हैं जहाँ पर इतनी अच्छी सैलरी बिना अनुभव के आप अप्लाई कर पाएँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक सोशोलॉजी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी पी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो ये सब्जेक्ट हैं इसमें जो है क्वालिफिकेशन ये आपका होना चाहिए ठीक है डिजायरेबल एक्सपीरियंस में है अगर आपके पास अनुभव बिल्कुल नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस बेस पर कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन हो और साथ में बीएड आपने कर रखा हो अगर आपके पास जो है अनुभव है तो सैलरी जो है आप लोगों की उसी अकॉर्डिंग जो है अधिक हो जाएगी ठीक है टी टी के अंतर्गत इंग्लिश फ़िजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स आईटी सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री के साथ में सिविक्स या जोग्राफी आपने पढ़ा हो हिंदी और संस्कृत हिंदी और संस्कृत भी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में ग्रेजुएशन आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न से हो बीएड आपने कर रखा हो तो सीटेट जिनका क्लियर है उनको प्रेफरेंस मिलेगी डिजायरेबल में है एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया बिना एक्सपीरियंस के आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी जो है अधिक होगी मिनिमम सैलरी मैंने आप लोगों को बता दी है सेवन सी के अकॉर्डिंग ही जो है सभी पोस्ट में सैलरी रहने वाली है पीआरटी में हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस और कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है पी आर टी के लिए भी आप देखें बी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ में और डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ में ठीक है डी वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट Uh, किया हुआ है तो बिल्कुल प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सी वालों को प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ पर जो है दो साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा है और अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे मैंने आपको बता दिया जहाँ पर डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस इस तरीके से लिखा होगा तो वो ज़रूरी नहीं होता है ठीक है अगर है तो अच्छी बात है एन टीचर्स की वैकेंसी है तो एन वाले अप्लाई करेंगे पी टी आई वाले अप्लाई करेंगे म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है डांस टीचर की फाइन आर्ट टीचर की बैंड कोच फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट ऑफिस असिस्टेंट लैब असिस्टेंट लैब असिस्टेंट के लिए जो है ट्वेल्थ आपका जो है साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए स्पेशल एजुकेटर के लिए बीएड आपने स्पेशल एजुकेशन में कर रखी हो अब देख लेते हैं वैकेंसी जो है कहाँ से जारी की गई है वैकेंसी जारी की गई है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से और ये ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल कहाँ है तो ये पलामू झारखंड में है ध्यान रखिएगा पलामू झारखंड में है ये स्कूल ठीक है तो आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ये क्वालिफिकेशन गेन की हुई है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए एज मैंने आपको बता दी फॉर ऑल पोस्ट मैक्सिमम एज फोर्टी फाइव ईयर है और ये कैलकुलेट होगी एक अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर से अब यहाँ पर ध्यान से देखें प्रोसेस टू अप्लाई कैसे अप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना है बस अपना रिज़्यूम आप लोगों को इस ईमेल आईडी पर भेज देना है ये ईमेल आईडी है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये ईमेल आईडी डी ऑक्सफोर्ड पी एस दौलतगंज ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम बस अपना रिज़्यूम इस पर भेज देना है ठीक है जो भी अपडेटेड रिज्यूम है वो आप यहाँ पर सेंड कर देंगे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर है अभी आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी जो है दिखाएंगे ओनली शॉर्टलिस्टेड लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर यहाँ रिटर्न टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी रहेगा एड्रेस ये है जहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी दौलतगंज कैंपस न्यू टाउनशिप पोस्ट ऑफिस शाहपुर मैदिनी नगर दौलतगंज डिस्ट्रिक्ट पलामू है ये झारखंड में ठीक है तो ये पूरा जो है वो एड्रेस है चलिए आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है हाँ बाकी जो है हाँ जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दी ये जो है हाँ न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई है और ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने एडवर्टीजमेंट को नहीं डाला है हो सकता है बाद में डालें लेकिन मैंने आप लोगों को पहले से ही जानकारी दे दी है कोई फीस नहीं लग रही है यहाँ पर बिना फीस के आप अप्लाई कर सकते हैं बस यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर बस आपको ये चेक करना है कि ये स्कूल जो है किस तरीके का है ठीक है और कितने सालों से जो है ये स्कूल रन कर रहा है इस स्कूल में सिक्सटी टीचर्स हैं 40 कोर्सेज़ हैं फिफ्टीन हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं स्कूल के बारे में जानकारी के लिए आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा फ़ोन नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस पूरा प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें बाकी जो है आप लोगों को वीडियो में ही जो है पूरा नोट करना है जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं ठीक है सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया सैलरी आपको बता दी है और एज भी बता दी है रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के द्वारा ही जो है सिलेक्शन रहेगा चलिए और भी वैकेंसी जैसे ही जारी होती है मालूम होता है और अच्छी वैकेंसी जहाँ की क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि क्वालिफिकेशन एज और सैलरी ये सब जो है आपके अकॉर्डिंग हो तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ पर कोई फीस नहीं लग रही होती वहाँ तो आपको आवेदन करना चाहिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू